तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि आज का दिन वर्ल्ड कप के लिहाज से हमारी सबसे ज्यादा खास है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा खास है और बहुप्रतीक्षित आप इस मुकाबले को यहाँ पर कह सकते हैं। हम उस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से जो माहौल है वो पहले से ही बनना शुरू हो गया है। पटना से इसी पर हमारे साथ बातचीत के लिए रजनीश सिन्हा मौजूद है, लखनऊ से अनिल यादव हमारे साथ है, दिल्ली से मोहित बख्शी हमारे साथ है, नोएडा से मनीष चौरसिया हमारे साथ है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हम दिल्ली का रुख कर लेते हैं। मोहित बख्शी हमारे साथ, बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ किस तरह का माहौल है जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। मोहित, दिखाइए जरा वहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं ये भारतीय फैंस। मैं दिखाता भी हूँ और सुनाता भी हूँ, छोटे से लेकर हर वर्ग के यहाँ पे जो क्रिकेट फैन है वो हमारे साथ हैं। इतने एक्साइटेड हैं आज के मैच के लिए? बहुत ज्यादा। आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है तो पूरी प्लानिंग के साथ तैयारी क्या की है आज के लिए, क्या घर पे क्या कह रखा है घर पे पूरी फैमिली एक साथ, और ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। आप बताइए आपने आज हमारी एकेडमी का जो टाइमिंग था वो हमने आफ्टरनून दिन है, तो आज एक मैसेज जाना चाहिए पूरी कंट्री में कि फादर हमेशा फादर ही रहते हैं, चाहे बच्चा कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, जब पापा अपनी पे आते हैं तो फिर सब। यहाँ पर जो बात कर रहे हैं और यंग गर्ल्स हैं हमारे साथ जो एकेडमी में आई हैं, आप बताइए कितनी एक्साइटेड हैं आज के मैच को लेकर? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, हमने घर में स्क्रीन लगाई हुई है बड़ी, अब पूरी फैमिली आज वहीं पर बैठ के स्क्रीन लगाई है। बच्चों ने कुछ खास डिमांड करी कोच से आज? बच्चों ने आज यही बोला कि सर आज हमारी एकेडमी जो है इवनिंग की जगह मॉर्निंग कर दी जाए। बिल्कुल मोहित, समझा जा सकता है कि देश की राजधानी दिल्ली में किस तरह का जोश फैंस में नजर आ रहा है। आपके पास लौटेंगे, लखनऊ की तरफ भी रुख करते हैं। अनिल यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, फैंस में कितना जोश दिखाई दे रहा है? देखिए, क्रिकेट को लेकर लखनऊ हमेशा क्रेजी रहा है। इस वक्त केडी सिंह जो कि लखनऊ का सबसे पुराना स्टेडियम है और ऐतिहासिक स्टेडियम है, यहाँ पर एक मैच चल भी रहा है और मैच के जो धोनी और रोहित शर्मा है वो हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या लग रहा है कि आज फादर्स डे भी है, तो फादर्स डे में कैसा मुकाबला रहने वाला है आज भारत और पाकिस्तान के बीच? देखिए, पहले तो बारिश के चांसेस हैं जैसा हम लोग को आइडिया लग रहा है वहाँ से, और अगर मैच होता है तो मैच इंडिया एक तरफा ही जीतने वाला है। ये तो मतलब अनफेयर हो जाएगा इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर एक तरफा हो जाए तो? भारत खेल के तीनों क्षेत्र में बहुत ही आगे है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग, चाहे फील्डिंग। पाकिस्तान 6 मैच लगातार हार चुका है, वो अंडर प्रेशर में रहेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने लेकिन हरा दिया था, हमें भूलना नहीं चाहिए। नहीं, वो अच्छा खेले थे पाकिस्तानी, इसलिए बिल्कुल हम तो अपने इंडिया को जिताएंगे इस टाइम। बिल्कुल, तो हर फैन यहाँ पर यही चाहता है और कोई मुकाबला ही नहीं है, एक तरफा मुकाबला होगा, हर कोई यहाँ पर यही कह रहा है। लेकिन नोएडा में किस तरह का जोश है जरा ये भी हम समझ लेते हैं। मनीष चौरसिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, वहाँ किस तरह की एक्साइटमेंट है आज के इस क्रिकेट आज के इस मैच को लेकर, हाउ इज द जोश? इट्स हाई सर, पर सबसे आपको बताऊं कि मौसम किस तरह का है। मौसम इस वक्त नोएडा में बेहद सुहावना हो चुका है और हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन ये बारिश यहाँ के लिए फिलहाल हीरो की गर्मी बहुत थी, लेकिन लोग दुआ यही कर रहे हैं कि ये दुआ मैनचेस्टर में बारिश नहीं होनी चाहिए, मैच कम से कम होना चाहिए। मैं सबसे कोच मौजूद हैं, सर किस तरह का लग रहा है कि बारिश अगर नहीं हुई वहाँ विलन नहीं बनी तो मैच कैसा रहने वाला है? देखिए, मैच अच्छा रहेगा, डेफिनेट इंडिया जीतेगी, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया में बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं कि जो पहले पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल चुके हैं और पाकिस्तान की टीम सारी नई है और उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, और डेफिनेट है कि इंडिया जीतेगी। कई बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, क्या लग रहा है कि कौन भारी पड़ने वाला है अपनी टीम में? आज जो ओपनिंग है वो थोड़ी दिक्कत करेगी, शिखर धवन नहीं है, कौन आएगा ओपनिंग करने? केएल राहुल ओपन करेगा। चलिए, पटना से रजनीश सिन्हा भी हमारे साथ में मौजूद है। रजनीश, दुआओं का दौर क्या यहां पर भी जीत के लिए दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए वर्ल्ड कप तो लाना ही है, लेकिन पाकिस्तान को हराना है, और पाकिस्तान को हराना है उसके लिए खिलाड़ियों के लिए दुआएं मांगे जा रही हैं, हवन चल रहा है। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से तमाम जो इंडिया के टॉप प्लेयर्स हैं उनकी तस्वीर के साथ, ढोल मंजीरे के साथ क्या मांग रहे हैं आज भगवान से। हिंदुस्तान पाकिस्तान का अहम मुकाबला आज वर्ल्ड कप का है, हिंदुस्तान की जीत के लिए भगवान के शरण में वैदिक मंत्र उच्चारण का हम लोग हवन भव्य कर रहे हैं। हे प्रभु, हिंदुस्तान की जीत हो, पाकिस्तान की करारा हारो। पंडित जी कौन सा हवन करवा रहा है? ये जो हम लोग
गणेश जी का गणेश मंत्र से हवन करवा रहे हैं और चलिए चलिए तो रजनीश स्पेशल हवन पूजन वहां पर करा रहे हैं, स्पेशल पूजा वहां पर करवाई जा रही है। लौटेंगे हम, आप तमाम हमारे जो सहयोगी हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बिल्कुल, और इस पर नजर लगातार हमारी बनी हुई है, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।